हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो गाइस, जैसे ये देख रहे हैं आप, हमारी ये बालकनी ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है और बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं। पर अगर आपके पास ऐसी भी कोई थोड़ी सी जगह खाली है, बालकनी है या आपका कोई रूम है, कोई भी छोटा सा स्पेस है, तो आप उसे अच्छे से डेकोरेट करिए बच्चों के लिए। कि जैसे आज कल आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो बच्चे पार्क में या बाहर खेलने नहीं जा पा रहे, उनको पूरे टाइम घर में रहना होता है। तो घर में रहने के लिए आप उनके लिए कुछ ऐसा करिए, क्योंकि पूरे टाइम वो टीवी देखते रहते हैं और कभी लैपटॉप कभी मोबाइल, तो पूरे टाइम वो उसी में आग गड़ाए रहते हैं। तो इससे बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उन्हें इन आउटडोर गेम के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बालकनी है या कोई भी एक कमरा है या कुछ भी, जो भी जहाँ बच्चे खेलते हैं उस जगह के थोड़ा सा न्यू मेकओवर कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये खाली था, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक गद्दा बिछा दिया, गद्दे के ऊपर एक मैंने कवर डाल दिया है। फिर बच्चों के फेवरेट जो कार्टून्स वाले हैं कुशन, मैंने उसको लगा दिया है और बच्चों के टॉयज रख दिए हैं। अब उसके बाद ये जो रेलिंग था, रेलिंग एरिया खाली था, तो इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन्स ऐड कर दिए हैं, कुछ वाइंस लगा दिए हैं ताकि देखने में ग्रीनरी लगे, खूबसूरत लगे और बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे और बाहर का लुक भी देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप कुछ ऐसे चेंज कर सकते हैं अपने बालकनी का, ऐसे मेकओवर कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए कितना प्यारा लगने लगा, थोड़ा सा लुक एकदम चेंज ही हो गया। मैंने ये वॉल पे भी थोड़े बहुत कार्टून्स लगा दिए हैं। अब ये नीचे भी मैंने एक फ्लोर पे इसे बिछा दिया है। आप कोई भी मैट्रेस डाल दीजिए, गद्दा है आपके पास उसको बिछा दीजिए, या कोई मैट है तो आप उसके, तो देखिए पूरा मैंने ये कवर कर दिया है पूरा, और नीचे भी मैंने बिछा दिया, तो कितना प्यारा लग रहा है। अब बच्चों के थोड़े से सॉफ्ट टॉयज मैंने रख दिए हैं, और तो इससे देखिए बालकनी भर गई है। अब उसके बाद ये थोड़ जो रेलिंग पे जगह बची है उसमें भी मैं ग्रीन्स ऐड करूँगी, तो उसके लिए मैं अपने छोटे छोटे फ्लावर पॉट भी वहीं पे रख दूँगी, और इससे क्या होगी और भी खूबसूरत लगेगा, तो एक गार्डन का लुक मिल जाएगा। अगर आपके पास ग्रास वाले मैट है तो आप उसको भी बिछा सकते हैं, तो बिल्कुल गार्डन ही लुक आ जाएगा। और नहीं है तो आपके पास कोई भी कार्टून वाले बेड शीट हैं या कुछ भी ऐसे करके आप बिछा दीजिए, तो बच्चों का ही फेवरेट बन। जैसे आज का मेरा थीम है बच्चों के ऊपर मैं बना रही हूँ, तो बच्चों के लिए जो बच्चों की फेवरेट चीज़ें हैं, उनका फेवरेट कार्टून छोटा भीम है, तो उसका बेडशीट मैंने ये बिछा दिया। अब देखिए मैंने एक इस पर स्टडी टेबल रख दिया है, अब बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हैं और उनका मन हो तो कोई भी गेम खेल सकते हैं, और टॉयज़ के साथ खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। तो वो बाहर जाने की जिद भी नहीं करेंगे पार्क में, और आराम से घर में ही खेलेंगे, आपको परेशान भी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं पे बिताएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब बड़े ही एक चीज़ को देख के हमेशा बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना हम बच्चों को भी यही लगता होगा ना कि इस टाइम वो बाहर भी नहीं जा पाते, तो उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे, थोड़ा सा उनके भी लाइफ में चेंज हो जाए। अब जैसे मैंने आज तो ये कार्टून ये था जो भी मैंने ये इसमें लगा दिया, जितने भी से कार्टून करेक्टर मेरे पास बेड शीट थे, पिलोज थे, सब मैंने लगा के इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और मैं इसमें लाइटिंग भी लगा दूँगी, फेरी लाइट हमारे पास रखा हुआ है, तो इससे बहुत ही अच्छा उनको मिलेगा। अगर आप चाहो तो इसमें अगर आपकी लाइटिंग की व्यवस्था है और म्यूजिक सिस्टम भी लगा सकते हो, कोई स्पीकर है या मोबाइल में ही सॉन्ग लगा के, तो बच्चे यहाँ पे बैठ के और जो वो टीवी के सामने भी नहीं बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और इन लोग को तो देखिए बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो घर में तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए एक मैंने यहाँ पे ये देखिए प्लेन बेड शीट भी बिछा दिया, तो अगर आपके पास कार्टून नहीं है तो आप प्लेन भी उसके ऊपर बिछा सकते हैं, और जो भी है प्रिंटेड भी बिछा दीजिए, और बच्चों का जितना भी कलरफुल रहेगा उतनी अच्छा लगेगा। और जो भी है आपको इसमें कुछ भी खर्च नहीं करना, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या आपका अपना घर है तो आप उसमें आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत ही नहीं, बस थोड़ा सा बदलाव करना है, और एक बदलाव से ही कितना चेंज आ जाता है। और देखिए बच्चे अब इसमें प्ले भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बदलाव कीजिए कि हाँ आप बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होइए, आप बच्चों की जगह खुद आके देखिए। अगर एक दिन आपके पास मोबाइल नहीं है और लैपटॉप नहीं, अगर आप नहीं देख रहे टीवी, तो आपको कैसा लग रहा है,
तो बच्चों को सोचिए, अगर बच्चे डेली बाहर जाते थे खेलने, अगर उनको खेलने नहीं मिल रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहे, पूरे पूरे टाइम वो घर में रह रहे हैं, तो अपने आप को कैसे बताया। हम बच्चों की जगह पे आके देखें, मैंने अब यहाँ पे बच्चों का बोर्ड भी रख दिया है, तो अगर उनका मन हो तो पढ़ाई करें। बोर्ड भी यहाँ रखा हुआ है, चौक भी है और कॉपी किताब भी है, जो भी ज़रूरत के हिसाब से अपने लाते रहेंगे, अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो एक अच्छा सा बच्चों का ये समझो रूम ही क्रिएट हो गया है, और भी रूम ऐसा कि जो बाहर वो देख सकते हैं, बाहर भी देख कर इंजॉय कर सकते हैं। अब ये नाइट का समय है, और नाइट के समय पे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सॉन्ग कुछ भी लगा दूँ, ताकि इनको काफ़ी अच्छा सा लगे और ये इंजॉय भी करें। तो मैंने गाना भी लगा दिया है और बहुत ही अच्छा, देखिए लाइटिंग मैंने कर दिया है, तो नाइट में भी बैठ सकते हैं आप चाहो तो, वो लाइट आप ट्यूबलाइट भी चला सकते हैं, पढ़ाई करना है तो उन्हें। और यहाँ पे बालकनी में काफ़ी अच्छी हवा भी आती है और पंखा भी लगा हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बैठ सकते हैं। तो गाइस, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट लाइक से मैं बहुत ही इंक्रेज होती हूँ, आपके लिए नए नए ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।